जब तक आप पॉलिसी को नहीं बदलोगे, व्यवस्था परिवर्तन मतलब वही हुआ, रिफॉर्म हुआ, पूरे एक स्ट्रक्चर का, गवर्नेंस स्ट्रक्चर का आप रिफॉर्म करना चाहते हो, जब तक वहाँ आप नहीं अटैक करोगे तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे मूव होगी। और वहाँ पे मैंने शुरुआत करी, काफ़ी कुछ समझा सीखा, और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक नया कैंपेन लॉन्च करने की। काफ़ी वो पॉपुलर भी हो गया था उन दिनों में, जागोरे वोटिंग कैंपेन। तो 2009 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, जिसमें UPA 2 की सरकार बनी थी, उस टाइम सो एज़ पार्ट ऑफ जनाग्रह मैंने ये आइडिया, क्योंकि तब मेरे ख्याल से मैं 28-29 साल का था, और मैंने पहली बार वोटिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहा था, और पता चला बहुत दिक्कतें हैं। और मैंने देखा मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे यंग लोग हैं जो वोटिंग करना चाहते हैं, लेकिन मतलब सिस्टम इतना ब्रोकन है, आप किसी तहसीलदार के ऑफिस में जाओ, आधा एक घंटा खड़े रहो, तो कोई नहीं करना चाहता। और बैंगलोर तो IT सिटी है, तो हमने बोला इसमें तो एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो काफ़ी सपोर्ट मिला फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जनाग्रह, दैट टाइम वी पार्टनर्ड विद टाटा टी, और एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया। उसकी एड बहुत पॉपुलर हो गई थी, बहुत पॉपुलर, जिसमें एक लड़का वो चाय पिलाते जा रहा था, बोला कि जागो, आप अगर इलेक्शन के दिन आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। बहुत सुंदर कैंपेन। तो वो पूरा कैंपेन, टाटा टी को ऑन बोर्ड लाना, वो सारा काम मैंने किया था। हमने 10 सिटीज़ में हमारे चैप्टर्स लगाए थे, एक यूथ, पूरी ये टीम अंडर 30 यूथ द्वारा थी। मेरे साथ मैं और 4 IIT मद्रास के एलमनस को एक एक साल का सबैटिकल दिलवा दिया मैंने, बोला कि आप सारा छोड़ो, एक साल इस कैंपेन पे लगो, तो सारे लोग आ गए थे। और एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल रहा था कि आप कुछ चीज़ जब शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं आपके साथ, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था।